सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 8 से बसंत भाग 3 पाठ 6 से भगवान के डाकिये पाठ अध्ययन करा रही हूँ। तो सबसे पहले जाने इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, उनके विषय में। भारतीय साहित्य के बहुत ही जाने माने कवियों में से एक राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड और भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनकी रचना सर्वश्रेष्ठ है। 12 वर्ष तक संसद सदस्य रहे, बाद में भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। एक वर्ष के बाद भारत सरकार ने उन्हें हिंदी सलाहकार नियुक्त किया और वह दिल्ली लौट आए। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को चेन्नई में हुई। अब हम पहला काव्यांश जानेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचना का अर्थ होता है पढ़ते हैं। महादेश यानी महाद्वीपों के द्वीप या कई देशों का समूह। तो प्रस्तुत काव्यांश में दिनकर ने वैश्विक एकता तथा शांति का संदेश पक्षी और बादल के माध्यम से मनुष्य जाति को याद दिलाया है। इस काव्यांश में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है, जैसे पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ में अनुप्रास अलंकार की सुंदरता है। पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिये के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब भावार्थ समझे इस पंक्ति काव्यांश का। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि आसमान में तैरते बादल और पक्षी भगवान के डाकिये हैं। ये एक देश से उड़कर दूसरे महादेश तक जाते हैं और खास संदेश पक्षी तथा बादलों के द्वारा आदान प्रदान करते हैं। उनके द्वारा लाए संदेश हम समझ नहीं पाते, लेकिन भगवान के संदेश को पर्वत, जल, पेड़ पौधे आदि बखूबी समझ लेते हैं। दूसरा काव्यांश है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इस काव्यांश में प्रकृति की महानता के बारे में बताया गया है कि प्राकृतिक भेदभाव नहीं करती। देशों की सीमाएं मनुष्यों ने बनाई है। पक्षी तथा बादलों द्वारा जो संदेश एक देश से दूसरे देश ले जाया जाता है, वह प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। भावार्थ दिनकर जी कहते हैं कि पक्षी तथा बादलों की आवाज तो हम नहीं समझ पाते, परंतु अनुमान लगा सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को प्रेम की सुगंध भेजती है। पक्षियों के आने जाने से शांति का संदेश आता जाता है, यानी तैरते हुए जाता है। उसी तरह एक देश का पानी भाप बनकर बादल बनता है। यह बादल उड़कर दूसरे देश में जाकर बरसता है, तो आपसी भेदभाव को मिटा देता है। कवि के अनुसार
विश्व के देशों में आना जाना और संपर्क बनाए रहना शांति और सद्भावना के लिए आवश्यक है। धन्यवाद।